नमस्कार। आज की प्रेस ब्रीफिंग में मैं आप लोगों से तीन महत्वपूर्ण विषयों पर बात करना चाहती हूँ। जैसे कि सोमवार की ब्रीफिंग में आपको बताया गया था कि अब 18 से 45 एज ग्रुप का वैक्सीनेशन भी डिस्ट्रिक्ट गंदरबल में स्टार्ट कर दिया गया है, जिसके लिए हमने पहले 5 साइट्स रखी थी, लेकिन पिछले 2 दिनों में ही हमें आप लोगों से इतना ज्यादा और इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है कि अब हमने उन साइट्स को बढ़ा करके 15 साइट्स कर दिया है। इन 15 वैक्सीनेशन साइट्स का नाम मैं एक बार आप सबकी सुविधा के लिए पढ़े दे रही हूँ। मेडिकल ब्लॉक गंदरबल में हमारे सेंटर्स हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गंदरबल, पीएचसी सुहामा, पीएचसी कच्छन, पीएचसी तुलमुला, बॉयज हायर सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंदरबल, एनटीपीएचसी गुठलीबाग। मेडिकल ब्लॉक कंगन में हमारे सेंटर्स हैं ट्रॉमा हॉस्पिटल कंगन, पीएचसी गनीवन, पीएचसी कुलर एंड पीएचसी मणिगांव। मेडिकल ब्लॉक बांकुरा में हमारे सेंटर्स हैं पीएचसी बांकुरा, पीएचसी बटवीना एंड सब सेंटर डब। मेडिकल ब्लॉक लार में हमारे सेंटर्स हैं पीएचसी लार, पीएचसी सफापुरा एंड सब सेंटर यंगूरा। इनमें से किसी भी सेंटर पर जाकर के जो हमारे प्रायोरिटी सेक्टर के इंडिविजुअल्स हैं वो 18 से 45 एज ग्रुप वाले अपना फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन का लगवा। जैसा मैंने आप लोग को पहले शेयर किया था कि हमारी हर पंचायत में एक कोविड केयर फैसिलिटी स्टार्ट कर दी गई है, जिसमें 5 बेड्स लगे हुए हैं, एक कोविड मैनेजमेंट किट है और कुछ बेसिक दवाइयां एवं इंस्ट्रूमेंट्स उसमें रखे गए हैं। उसी के साथ साथ हम इन सभी 126 सेंटर्स में अब रैट टेस्टिंग की फैसिलिटी भी दे रहे हैं। इसका ये मतलब है कि आपको अब अपना टेस्ट कराने के लिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, आप इन्हीं सेंटर्स पे अपना टेस्टिंग करवा सकते हैं। इसी के चलते हमारे जो ये कोविड केयर सेंटर है जो बूंद में एस्टैब्लिश हुए थे, वहां की एक रामवारी पंचायत में 2 लोग आकर के भर्ती भी हुए हैं। मैं इन 2 लोगों की प्रशंसा करती हूँ, क्योंकि इनके घर में आइसोलेशन की फैसिलिटी नहीं थी, इसलिए इन लोगों ने अपना कर्तव्य निभाया और इन्होंने आकर के इस कोविड केयर सेंटर की फैसिलिटी का इस्तेमाल किया। मैं बाकी लोगों से भी यही कहूंगी कि यदि आपको कोई सिम्टम लग रहा है या आपको किसी प्रकार का कोई शको शुभा लग रहा है, कृपया अपने इन 126 पंचायत सेंटर्स में से आके अपना रेड टेस्ट करवाइए, और यदि होम आइसोलेशन की सुविधा आपके घर में नहीं है तो प्लीज आप अपने आप को यहाँ पर आकर के आइसोलेट करवा लीजिए। थर्ड एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, इस हफ्ते हमने अपनी ओवरऑल पॉजिटिविटी में थोड़ा सा बढ़ाव देखा है, हल्की सी हमारी पॉजिटिविटी ऊपर गई है। इससे हमें क्या समझ आता है कि कोरोना रिस्ट्रिक्शंस में जो हमने ढील दी है, अब उसमें हमें बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। मैं एक बार आप सभी लोगों का पहले तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी कि जो पिछले 1 महीने से रिस्ट्रिक्शंस चल रहे थे, आप लोगों ने प्रशासन की बहुत ज्यादा मदद की थी, पूरी आवाम ने हमारा बहुत साथ दिया था, सारे डिपार्टमेंट्स का बहुत साथ दिया था। मैं चाहूंगी कि अब ये जो रिलैक्सेशन दिए गए हैं, कृपया इनमें भी कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाइए, वरना मजबूरन प्रशासन को जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए फाइन्स इम्पोज करने पड़ेंगे और कड़ाई करनी पड़ेगी। देखिए, हम भी ये नहीं करना चाहेंगे, हम चाहेंगे कि आप लोग स्वयं समझें कि आपकी क्या जिम्मेदारी है आपके अपने प्रति, आपके परिवार के प्रति और समाज के प्रति। इसलिए मैं आप सबसे एक बार फिर से निवेदन करती हूँ, कृपया लगातार कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, कोविड अप्रोप्रिएट SOPs को फॉलो करिए। दिस इज द ओनली वे टू कीप योरसेल्फ एंड योर फैमिली सेफ।